एक न्यूमेरिकल मैंने करा दिया अभी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल और लिखना है इसी टाइप का एक, ताकि एक प्रैक्टिस हो जाए ढंग से। क्वेश्चन है वन लीटर ऑफ 5 मोलर CaOH होल ट्वाइस रिएक्ट्स विद 4 लीटर ऑफ 2 मोलर H2SO4 कैलकुलेट हीट रिलीज्ड एंड राइज इन टेम्परेचर। वन लीटर 5 मोलर CaOH2 रिएक्ट्स विद 4 लीटर ऑफ 2 मोलर H2SO4 कैलकुलेट हीट रिलीज एंड राइज इन टेम्परेचर। अभी देखते कुराल। बोला किसी को आंसर? अब कुणाल तू चेंज करेगा ना ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। एक बार आंसर दिया कर। सर ये पक्का है अब? अच्छा देखते हैं। लेकिन कुणाल ये मैं तो बोल रहा हूँ, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां पेपर में गलती करेगा नहीं तो। चलो देखो इधर। और ये एक चीज दिमाग में रखना, हीट ये स्टैंडर्ड है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच प्लस ये जीरो लेते हैं, ये मैंने बताया नहीं था स्टार्टिंग में। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच प्लस ये जीरो माना हुआ है, एजम्पशन है ये। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच प्लस इज टेकन टू बी जीरो।
देखो जरा आंसर ध्यान देंगे, 1 लीटर 5 मोलर सीओ शुल्क, ये आंसर सबसे निकलना चाहिए था क्लास में, 1 लीटर 5 मोलर क्या है, सीओ शुल्क वाइज, 1 लीटर 5 मोलर सीओ शुल्क वाइज है, इसका मतलब ये 1000 ml ऑफ 5 मोलर, 1000 ml ऑफ 5 मोलर हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सीओ शुल्क वाइज कितने हो गए, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम बाय 1000, मोलरिटी 5, वॉल्यूम 1000 ml बाय 1000, या तुम डायरेक्ट 5 × 1 ही कर दोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा उससे, तो ये 5 मोल आ गया सीधा, ये 5 मोल आ गया सी ए ओ शुल्क वाइज, तो ओ चाइंस कितने हो जाएंगे, 10 मोल, 10 मोल क्या हो जाएगा, ओ चाइंस, समझे कि नहीं, 10 मोल आ गए ओ चाइंस, ऐसे ही मैं निकाल रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 हो गए कितने, 4 × 2, 4 × 2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4 × 2 यानी 8 मोल H2SO4 है, तो H प्लस हो जाएंगे 16 मोल, 60 मोल आ गया H प्लस, तो न्यूट्रलाइजेशन होगा 10 मोल ओचाइंस का, 10 का न्यूट्रलाइजेशन होगा, एक के लिए हीट रिलीज हो रही है, एक मोल के लिए हीट कितनी रिलीज होती है, 57.1 किलो जूल, तो 10 मोल के लिए कितनी हीट रिलीज होगी, 571 किलो जूल, 571 किलो जूल हीट रिलीज हुई, तो 571, ये एक आंसर तो आ गया, दिस इज इक्वल टू m, मास कितना लेंगे, 1000 ml प्लस 4000 ml यानी 5000 ग्राम, 5000 ग्राम डेंसिटी 1 मानते हुए, डेंसिटी को 1 मानना है, वॉल्यूम मत लिखना कि वॉल्यूम लिख रहा हूं मैं यहां पे, डेंसिटी 1 मान रहे हैं, तो 5000 ml इज इक्वल टू 5000 ग्राम हो जाएगा, और 4.18 हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी दैट इज राइजिंग टेंपरेचर, अगर इनिशियल टेंपरेचर दे रखा होगा तो, जैसे मान लो अगर इनिशियल टेंपरेचर दे रखा है 300 केल्विन, तो फाइनल क्या होगा, तो उसके लिए डेल्टा टी को लिख देना T2 - T1 और T1 की वैल्यू पुट करके T2 आंसर निकाल लेना, समझ आ गया कि नहीं, ये यस सर, ये बहुत इजी कैलकुलेशन है, हार्डली 1 मिनट का क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चंस नहीं है, और इन्हीं से रिलेटेड, ये इन्हीं को बेसिक मानते हुए अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज, ऑफ वाटर इज 300 किलो जूल पर मोल, ये आपने अंडरस्टूड है कि नेगेटिव लेना है इसको, 300 किलो जूल पर मोल, फाइंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, या कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओच आयंस, ये तुम्हें निकालना है, करो जल्दी से, नंबर ऑफ मोल्स का इशांक, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इनटू 1000, तो नंबर मोल्स क्या हो गए, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम बाय 1000, वॉल्यूम एमएल में होना चाहिए, समझ गया शांक, शांक ओके शंक, कल 12th वालों के साथ मोस्ट प्रोबेबली मैं IIT का पेपर 2 डिस्कस करूंगा, तो 11th वाला कोई बच्चा अगर एंट्री चाहेगा तो पूछ लेना मेरे से एक बार,
अच्छा एक मिनट दोबारा सुन लेंगे, एक बार दोबारा सुन लेंगे। इक्वेशन है H plus plus O ions gives H2O. डेल्टा H देखा 57.1 किलो जूल, डेल्टा H देखा 57.1 किलो जूल नेगेटिव में। डेल्टा H क्या होगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। डेल्टा H का फॉर्मूला क्या होगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है 57.1 किलो जूल, ये दे रखा है हमें इस रिएक्शन का। और प्रोडक्ट्स में क्या है? वाटर है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O आयन। जो कोफिशिएंट अगर मान लो यहाँ 2 होता तो मैं यहाँ 2 लगाता, ये ध्यान रखना चीज का, जो कोफिशिएंट है वो भी आते हैं यहाँ पे। तो अभी आ गया, और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन 0 होता है माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH आयन, बस यहाँ से निकल जाएगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH आयन को इधर ले जाएंगे तो ये आएगा माइनस 300 और प्लस 57.1, तो ये आ जाएगा कितना? माइनस 242.9। एक बार चेक कर लेंगे, माइनस 242.9। यस सर। निकाला था किसी ने? यस सर। चलो जी, निकाल लिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना जी का ये। इसके लिए बस क्या पता होना चाहिए था कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस से जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मेडिकल के ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है और इवन मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन। नहीं शांक, मैंने बोला था अभी फॉर्मेशन नेगेटिव है, मैंने बोल दिया था स्टार्टिंग में। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 एंड 1 मोलर KOH बी मिक्स्ड टू गेट मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर इफ टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 ml। ये ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन दी होती है इसकी, तब निकालना होता क्वेश्चन। ये देखते हैं कौन निकालता है इसे। कर लिए, देखो तेरा आंसर। बोला किसी को आंसर इसका? इसके ऑप्शन दिए होते हैं कि 33, 67, 33, 50, 50,
या डेटा इनसफिशिएंट, ये चार ऑप्शन दे दिए जैसे। सर सी। कैसा है कुणाल? सर इसका पहले का वॉल्यूम ले लिया मैंने वी और सेकंड का ले लिया 100 माइनस वी, सॉरी 100 माइनस वी सही है। सर उसके बाद मोल्स निकाल लिए और दोनों के मोल्स को यस सर इक्वेट कर दिया क्योंकि दोनों के मोल्स देखो ज्यादा नहीं। सही है, ये तुमने पहला क्वेश्चन एक आंसर बहुत अच्छा दिया है बहुत टाइम में। चलो ध्यान देंगे। हाँ सही है श्रेया, ध्यान देंगे। इधर देखो, इधर इसमें क्या है कि मैक्सिमम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो या मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर हो, तुम्हें पता है क्यू क्या होता है? एम सी डेल्टा टी। जब ये मैक्सिमम होगा तो ही ये मैक्सिमम होगा, यानी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है टू हैव मैक्सिमम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और या टू हैव मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर, दोनों पॉसिबिलिटीज है। क्लियर? ये दोनों पॉसिबिलिटीज है इसके अंदर। तो उसके लिए क्या करना है तुम्हें, अब तुम्हें क्या करना है, मैक्सिमम कब होता है? जब दोनों के मोल एच प्लस आयंस और ओच आयंस क्या हो, इक्वल हो, तभी तो मैक्सिमम होगा। तो इक्वल करने के लिए मिलिक्विलेंट इक्वेट कर दो दोनों के। H2SO4 का वॉल्यूम मान लिया मैंने x, तो KOH का वॉल्यूम हो गया 100 माइनस x। बस अब इक्वेट कर दो मिलिक्विलेंट्स ऑफ H2SO4, मिलिक्विलेंट्स ऑफ KOH, मिलिक्विलेंट्स ऑफ H2SO4 कितने होंगे 0.5 मोलैरिटी इनटू n फैक्टर इसका 2 इनटू वॉल्यूम x इज इक्वल टू इसका मोलैरिटी 1 एन फैक्टर 1 इनटू वॉल्यूम 100 माइनस x। तो यहां से x कितना आ जाएगा 2x इनटू आ गया 100, तो x आ गया 50, यानी 50 और 50 दोनों का वॉल्यूम आ जाएगा 50 ml। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ लिक्विड से इक्वेट करने थे। ये ईशांक एक बार खुद चेक कर कि मैक्सिमम हीट कब रिलीज होगी। मान ले अगर मैं तेरे को दे दूं 10 मोल है H प्लस आयंस और 1 मोल है OH आयंस, तो हीट रिलीज कितनी होगी? 1 मोल के अकॉर्डिंग होगी ना 57.1 किलो जूल। अगर मैं दे दूं 5 मोल है H प्लस आयंस और 5 मोल OH आयंस, तब हीट रिलीज किसके अकॉर्डिंग होगी? 5 मोल के अकॉर्डिंग। ये निकाल करो, खुद सोचा करो इन चीजों को। तो इसलिए इक्वेट किया है। तो ये यहाँ पे खत्म हो गया हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि पूरा भी खत्म हो चुका। वो मेन चीज मेरे लिए याद रखना कि अगर मान लो मैं मोल्स जो मैं यूज कर रहा हूँ उसको डबल कर देता हूँ, मोल्स जो मैं यूज कर रहा हूँ या मास मैं जो यूज कर रहा हूँ उसको डबल कर देता हूँ या ट्रिपल कर देता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग क्यू भी क्या हो जाएगा? क्यू होता है एम सी डेल्टा टी। ये भी जैसे मैंने इसको 3 times किया तो ये भी 3 times हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल। इसलिए राइज इन टेम्परेचर सेम आता है। ये ऐसा क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, राइज इन टेम्परेचर विल बी सेम। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। मैंने बेसिक अभी कवर कर लिया हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का, ये बेसिक कवर हो गया है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जिसको ये कंसेप्ट समझ आ गया वो आसानी से कर लेगा उन क्वेश्चंस को, वो आसानी से कर लेगा उस क्वेश्चन को। जैसे ये कॉमन ये ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मान लो 3 acids दे रखे हैं तुम्हें, 3 acid या 4 acid दे रखे हैं, सपोज एच ए एच बी एच सी और एक एच डी, ये 4 acid दे रखे हैं। इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है -13.7, इसका है -12, इसका है -10, इसका है -8। तो अब तुम्हें बताना है स्ट्रेंथ ऑफ दीज एसिड्स क्या होगा, व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ दीज एसिड्स अगर ये इनके हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, तो व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ दीज एसिड्स एंड इसमें से कौन से वीक एसिड्स हैं, बोलो स्ट्रेंथ ऑफ दीज एसिड्स क्या होगा, व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ दीज एसिड्स। HD strongest। चलो देखते हैं अभी। हाँ बोलो क्या आंसर आएगा इसका? सर HA नहीं होना चाहिए। सबसे HA ये तो दिख ही रहा है, जिसमें मैक्सिमम हीट रिलीज हो रही है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, HA strongest होगा। ईशांक तेरा गलत है, ये HA strongest होगा, फिर HB, फिर HC, फिर HD। किसी को डाउट? नो सर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, HA strongest एसिड आएगा, HA will be the strongest एसिड, क्योंकि इसमें हीट रिलीज क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है हीट रिलीज क्या। और इनमें से वीक एसिड कौन कौन से हैं, वीक एसिड कौन से हैं,
ये तीनों वीक, क्योंकि इन तीनों की हीट रिलीज क्या हो रही है एक मोल के लिए कम हो रही है, -12, -10, -8। अगर जिसकी -13.7 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बाकी वीक है, बाकी सब क्या है वीक। अच्छा यहां पे एक नोट कर लेंगे, हेसेस लॉ अभी तक हम यूज भी कर चुके हैं इसको, इंपॉर्टेंट लॉ है, ध्यान रखना चीज का, हेसेस लॉ। ये क्या कहता है कि हीट इवॉल्व और अब्सॉर्ब इज सेम, हीट इवॉल्व हो रही है या अब्सॉर्ब हो रही है वो सेम रहेगी, चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो चाहे रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में हो। जैसे मान लो तुमने ए से डी बनाया, हीट रिलीज हुई, हीट जो रिलीज हुई है सपोज डेल्टा एच आया इसका 100 किलो जूल। अब इसी रिएक्शन को तुम मल्टीपल स्टेप्स में कर रहे हो, ए से बी बना रहे हो, बी से सी बना रहे हो, सी से डी, ये बनाया, डेल्टा एच वन है 50, डेल्टा एच टू है 20, तो डेल्टा एच थ्री क्या होगा, सोच रहा नहीं इसके 30 हो जाएगा कि नहीं। यही एसिड लॉ है कि हीट इवॉल्व हो या एब्जॉर्ब हो, चाहे एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप्स में, नेट इन तीनों को ऐड करो, आ रहा ना ए से डी, ये ऐड करके आ रहा है ए से डी, दैट मींस इस रिएक्शन के लिए जो हीट होगी वो इन तीनों का समेशन होगी, हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब, ये याद रखना हेसेस लॉ है ये, एक नेक्स्ट चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम में कराऊंगा मैं, हेनरीज लॉ वो अलग है, हेसेस लॉ क्या कहता है, हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इज सेम whether the reaction takes place in one step or in number of steps, whether the reaction takes place in one step or number of steps, heat evolved or absorbed will be same. ये Hess's law है, clear? ये Hess's law है. Next note करेंगे. इसकी सब application, इसकी application है Born-Hammer cycle. क्या chemical bonding में सबने Born-Hammer cycle पढ़ी है? इसकी application. नहीं पढ़ी है, एक मैं एक एग्जांपल दोबारा देता हूँ इसका, यहाँ पे जो इसकी एप्लीकेशन है Born-Hammer cycle, देखो अगर मेरे को NaCl का फॉर्मेशन करना है, ध्यान देना, अगर मेरे को NaCl का फॉर्मेशन करना है, NaCl सॉलिड इसका फॉर्मेशन करना है, तो मैं इसके लिए क्या लूंगा, Na लूंगा सॉलिड फॉर्म, Na किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, प्लस हाफ Cl2, ये किस फॉर्म में होता है, गैशियस फॉर्म में, तो मिलेगा NaCl, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब Na से Na और Cl2 से मिलकर NaCl बन रहा है, ये कैसे बनेगा एक्चुअल में, ध्यान देंगे, Na जो है सॉलिड फॉर्म में है तो पहले यहाँ पे देनी पड़ेगी सब्लिमेशन एनर्जी, डेल्टा एच सब्लिमेशन, तो जाएगा ये किस में, गैस में, क्योंकि गैस से ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ध्यान रखना चीज का, तो अब इसमें देनी पड़ेगी एनेशन एनर्जी, तो ये Na+ बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, सही ना, ये हो गया। अब ऐसे ही Cl2, इसको हमें Cl- बनाना है, तो पहले इसका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलता है या डलता है तो किस फॉर्म में डलता है, हमेशा गैशियस फॉर्म में और एटॉमिक फॉर्म में, हमेशा गैशियस फॉर्म में और एटॉमिक फॉर्म में, ये मैं बता चुका पहले, इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहा हूं मैं ये, तो इसे यहाँ पे डिफ्यूजन एनर्जी देनी पड़ेगी, और कितनी देनी पड़ेगी, आधा मोल है, इसको जरूर ध्यान रखना, किसी भी आयन मॉलिक्यूल या एटम से पहले ये जो मोल लिखे होते हैं जरूर ध्यान देना, उसका आधा मोल है तो हाफ डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी देनी पड़ेगी, हाफ डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, सीएल गैशियस, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डलना है तो कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बन गया Cl-, इलेक्ट्रॉन डल गया और क्या बन गया, Cl-। अब ये Na+ और Cl- कंबाइन करेंगे क्या बनेगा, NaCl, तो कौन सी एनर्जी, लैटिस एनर्जी, तो कौन सी एनर्जी, लैटिस एनर्जी, किसी को कोई डाउट, नो सर, देखो सर, सब्लिमेशन एनर्जी पॉजिटिव के नेगेटिव, ये भी पता होना चाहिए न्यूमेरिकल्स करने के लिए, सब्लिमेशन एनर्जी पॉजिटिव के नेगेटिव, तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगी, सब्लिमेशन एनर्जी पॉजिटिव, आयनेशन एनर्जी पॉजिटिव के नेगेटिव, सर पॉजिटिव, पॉजिटिव एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये भी ऊपर भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दोनों एनर्जी रिक्वायर्ड है, डिसोसिएशन एनर्जी पॉजिटिव की नेगेटिव, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी पॉजिटिव, पॉजिटिव चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सर इसमें निकलेगी नेगेटिव, हमें चाहिए मेन की एनर्जी रिलीज हो, बनने में रिलीज होगी तो बनेगा, नहीं तो नहीं, लेटेस्ट एनर्जी भी नेगेटिव, लेटेस्ट एनर्जी भी क्या होगी, नेगेटिव, तो अब नेट डेल्टा एच जो होगा इन सबका समेशन होगा, नेट डेल्टा एच जो होगा वो होगा सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड है प्लस हाफ डी
प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी तो ये नेट डेल्टा जो होगा, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो NaCl स्टेबल है, नहीं तो अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी सब पता लग जाती है इससे। दिस इज बॉन हेबर साइकिल, NaCl का फॉर्मेशन ये हुआ यहाँ पे। किसका फॉर्मेशन हुआ है? NaCl का। ऐसे ही तुम MgBr2 का फॉर्मेशन कर सकते हो, ऐसे ही MgBr2 का। चलो एक तुम करके दिखाओगे। डेल्टा यहाँ पे क्या क्या नेगेटिव, इसमें तो क्वेश्चन भी आता है कि NaCl के फॉर्मेशन में कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व है, कौन कौन सी एनर्जीज है जो इन्वॉल्व है NaCl के फॉर्मेशन में। तो उसको एक वर्ड से याद भी करवाते हैं क्लास में, हाफ दिल से करके। कौन कौन सी एनर्जीज आ गई इसके अंदर? डी से कौन सी एनर्जी है? डिसोसिएशन एनर्जी। आई से? आयनाइजेशन। एल से? लैटिस सब्लिमेशन। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो ये कर लेना याद इसको, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। इसके ये न्यूमेरिकल हो गया एक तरीके से, ध्यान रखना। वैल्यूज दी होंगी, कई बार नेगेटिव नेगेटिव में नहीं देते, तो तुम्हें खुद एडजस्ट करना है कि वो नेगेटिव होनी चाहिए वैल्यू। तो ये एक न्यूमेरिकल कर लिया है यहाँ पे हमने, वैल्यू दे दूंगा एक न्यूमेरिकल बन जाएगा ये, सही ना। नेक्स्ट नोट करना है, एक तुम ट्राई करोगे MgBr2 का, MgBr2 का फॉर्मेशन ट्राई करो खुद जल्दी से, कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है सब निकालो, गलत नहीं करना है। MgBr2 सॉलिड, इसका फॉर्मेशन ट्राई करो। निकालिए। यस सर। चलो देखो जल्दी, हाँ ध्यान देना जरा। MgBr2 ये बनेगा Mg सॉलिड, देखो किसका सही होता है। Br2 लिक्विड, Mg सॉलिड से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं दो, पहले सब्लिमेशन एनर्जी, Mg गैस में गया, अब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो IE1 प्लस IE2 दोनों इकट्ठे लिख रहा हूं मैं। IE के अंदर क्या है? IE1 भी है यानी 700 के आसपास, और IE2 भी है यानी 1300 के आसपास। तो ये बन गया Mg2 प्लस। क्या पता दोनों अलग अलग देख लो न्यूमेरिकल में, Mg2 प्लस आ गया। उसके बाद Br2 लिक्विड है, तो इसमें देंगे हम वेपराइजेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी आएगी? वेपराइजेशन एनर्जी। Br2 गैस या वेपर लिख देना, वेपराइजेशन एनर्जी। उसके बाद डिसोसिएशन, उसके बाद देंगे डिसोसिएशन एनर्जी। एक मोल है, ध्यान रखना चीज का, एक है तो एक ही लिखना है, तो 2 Br
तो ये आ जाएगी डिफ्यूजन एनर्जी, टू बी आर आ गया गैसेस में, उसके बाद देंगे इसको क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और यहाँ पे आएगा ट्वाइस, ये जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, जिसने ये मोल्स मिस कर दिए फिर गलत होगा नंबर उसका, दो मोल बी आर को दो मोल बी आर नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और उसके बाद ये दोनों कंबाइन करेंगे और बनेगा एम जी बी आर टू, तो ये होगी हमारी लैटिस एनर्जी। तो सारी एनर्जी इन्वॉल्व कौन कौन सी है खुद ऐड कर लेना, डेल्टा एच कौन सी है, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, ये भी रिक्वायर्ड, ये भी रिक्वायर्ड, वेपराइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, डिफ्यूजन एनर्जी रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रॉनिफिटी रिलीज, लैटिस एनर्जी रिलीज, दोनों रिलीज है ये दोनों रिलीज, तो नेट डेल्टा एच सबको ऐड करके आएगा, अगर ये नेगेटिव तो एम जी बी आर टू स्टेबल, नहीं तो अनस्टेबल नेट। तो ये हमने बॉर्न हेबर साइकिल जो है ये पढ़ लिया हमने यहाँ पे, सही ना, बॉर्न हेबर साइकिल इंपॉर्टेंट थी टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड, ये निकालने के लिए होती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेसेस लॉ पढ़ लिया हमने, बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ लिया, और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आज खत्म किया पूरा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो है रेजोनेंस एनर्जी। बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, एंट्रेंस में इसके बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, इवन नीट में भी और आईआईटी मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसके। तो क्या है रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी वैसे क्या होती है, रेजोनेंस एनर्जी कोई भी कंपाउंड जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तब जो एनर्जी रिलीज होती है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत आ रहे हैं आजकल, कोई भी कंपाउंड जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तब जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। सिंपल सी डेफिनेशन, एनर्जी रिलीज व्हेन ए कंपाउंड इज इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस, सही ना, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए कंपाउंड इज इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस। तो और इसके अंदर मैं जैसे एग्जांपल लूं, तो जैसे बेंजीन ले लिया सपोज, एग्जांपल बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है सबको पता है, सबने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है, अदरवाइज एग्जांपल इसमें और अच्छे लेने चाहिए लेकिन समझ आ जाए इसलिए मैंने एग्जांपल ये लिया है, ये बना लिया स्ट्रक्चर, दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स है, बना ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड जो कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है, बाकी दोनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करते। तो जो रेजोनेंस एनर्जी होता है, जो रेजोनेंस एनर्जी होता है वो इस तरह से कुछ मेजर करते हैं, ये मान लिया तीन कंपाउंड्स हैं, ये आर वन कंपाउंड, ये आर टू कंपाउंड और ये रेजोनेंस हाइब्रिड, तो आर वन आर टू और आर थ्री, मैं इसका नहीं ले रहा, मैं इसका लूंगा तो आर वन और आर टू की एनर्जी सेम होगी, यहां एनर्जी आएगा। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड 99% केसेस में हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसकी एनर्जी और जो ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस फॉर्म है, रेजोनेटिंग फॉर्म है, इसकी एनर्जी में जो डिफरेंस होगा ना, इसे बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। और इसका रेजोनेंस एनर्जी हमेशा नेगेटिव आएगा आंसर इसका, एनर्जी दिस एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज एनर्जी, दिस एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज एनर्जी, समझ गया कि नहीं है। तो इसलिए जो रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला हो गया एक तरह से, वो क्या हो गया, रेजोनेंस एनर्जी क्या है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म, ये रेजोनेंस एनर्जी है, दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी, समझिए कि नहीं है। तो अब इसके क्वेश्चंस, एक फॉर्म और होती है इसकी, मैं इसका फॉर्मूला भी समझाऊंगा तुम्हें, सिर्फ एक बार इसका फॉर्म नोट कर लेना, ये फॉर्म होती है रेजोनेंस एनर्जी की, डेल्टा एच थियोरिटिकल, डेल्टा एच थियोरिटिकल माइनस डेल्टा एच एक्चुअल या ऑब्जर्व, या एक्चुअल कह लो, ऑब्जर्व्ड कह लो, या एक्सपेरिमेंटल कह लो, डेल्टा एच थियोरिटिकल, डेल्टा एच एक्चुअल, ये फॉर्मूला इसका अप्लाई करेंगे, ये इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इतनी इस चीज को समझ लेना एक बार, ताकि नेक्स्ट टाइम ढंग से समझ आ जाए। रेजोनेंस एनर्जी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि बड़े क्वेश्चंस आए तो तुमसे वो भी हो जाए। रेजोनेंस एनर्जी प्लस बॉन्ड एनर्जी को मिलाकर, बॉन्ड एनर्जी भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी क्या है, एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, या एक मोल बॉन्ड जब बनेगा तब जो एनर्जी रिलीज होगी वो होती है बॉन्ड एनर्जी, सही ना, ये बॉन्ड एनर्जी है। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको, अभी यहां तक पढ़ के रखना ढंग से, ताकि नेक्स्ट टाइम ढंग से समझ आ जाए, ये पढ़ के रखना सारा शुरू से।